सत्ता में आने से पहले भाजपा ने छात्र संघ चुनाव को लेकर अपने चुनाव घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे किए थे। पहली कलम से छात्र संघ चुनाव को बहाल करने की बात भाजपा ने कही थी, लेकिन आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दी गई प्रजातांत्रिक प्रणाली को भाजपा खत्म करने पर तुली है। 21 अगस्त से प्रदेश के सभी कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में इनसो ताला जड़कर हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अंदर सत्ता परिवर्तन का बिगुल बजा देगी। ऐसा है, हम सारी बात को एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या मामला पूरा है, क्या हम कोई बात बोले उसको सोच समझ के बोले। राजनीतिक कोई बात कही जाती है उसको सोच समझ के कहा जाता है। जब कहेंगे सारी बात कहेंगे भी, और सारी बात हमारे संज्ञान में है, ऐसा नहीं है कि कोई बात हमारे संज्ञान में नहीं है, सारी बात हम कहेंगे समय आने पे सारी बात। मगर अब आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस मुद्दे को प्राथमिकता दें, छात्र संघ चुनाव के मुद्दे को। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भिवाणी के साथियों से, क्योंकि आप लोग हमारा सदैव सहयोग करते हैं, आज इस खबर को मुख्यमंत्री तक पहुँचा दें कि कल को ये बहाना ना मार पाएँ कि भाई मेरे को तो पता ही नहीं था, क्योंकि वो समझते हैं भाई कल के जो लड़के हैं ये क्या करेंगे। हम उनसे राजनीतिक कद में छोटे हैं, हमारी उनके सामने हैसियत नहीं, मगर हमें किस तारीख को वो करके दिखा सकते हैं जो उनने कल्पना ना की। हरियाणा का लॉस ना हो, हरियाणा का नुकसान ना हो, हरियाणा के एक छात्र के एक मिनट की पढ़ाई का नुकसान ना हो, मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ मुख्यमंत्री जी आप ये फैसला लें। हम स्वयं आपको लड्डू खिला के माला पहना के आपका धन्यवाद करें।